राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के तेज प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी चर्चा थम नहीं रही है। उन्होंने वैशाली में कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद नाम का तेज प्रताप ने अलग संगठन खड़ा कर लिया है। ऐसे में तेज प्रताप राजद से बाहर हो चुके हैं। क्या कहेंगे प्रताप जी, कहाँ है पार्टी में? प्रताप जी पार्टी में कहाँ? वो तो कल आपको लालू जी ने भी कहा कि हमको किसी ने बंधक बना के नहीं रखा, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है। पार्टी, पार्टी में नहीं है, पार्टी में नहीं है वो। ना ना भाई, कहाँ पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था। उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। सही तो मैसेज क्लियर ना है। गुरुवार को तेज प्रताप ने बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम से मुलाकात की है। कहा जाने लगा कि राजद विधायक अशोक राम के बेटे के लिए कुशेश्वर स्थान में प्रचार कर सकते हैं। इस बीच उपचुनाव के लिए राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर तेज प्रताप को बड़ा झटका दिया है। लिस्ट से लालू प्रसाद के बड़े बेटे को आउट कर दिया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत सूची में 20 नेताओं के नाम हैं। बड़ी बात यह है कि स्टार प्रचारकों में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कहीं नहीं हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है। सूची में तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव, मनोज कुमार झा, तनवीर हसन, आलोक कुमार मेहता, शिवचंद्र राम, अनिल कुमार साहनी, लवली आनंद, उदय नारायण चौधरी, श्याम राजक, भोला यादव, वृषण पटेल, ललित कुमार यादव, चंद्रहास चौपाल, अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान, भरत मंडल, भरत बिंद एवं राम वृक्ष सादा का नाम शामिल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।